आरामको का आईपीओ अब तय हो गया. कंपनी ने ऑफिशियली बोल दिया कि वो पहले रियाद में लिस्ट होगी. देखिए डेटा वाकई अच्छा ग्राफ देखिए आशीष, और ये जो सेंसिटिविटी के लेवल्स हैं ना, जो हम लास्ट वीक एक अप्रोच के चल रहे थे, हम क्यों 12,000 की कॉल पर फोकस कर रहे थे. 12,000 की कॉल पर इसलिए फोकस कर रहे थे कि कभी भी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, कभी भी आप इस ट्रेजेक्टरी में आ सकते हैं. और दिल्ली में आज से ऑड इवन स्कीम लागू हो रही है. 4 तारीख आज है, 15 नवंबर तक लागू रहेगी. EQI इंडेक्स देख रहा हूँ, 830. EQI की जब रीडिंग होती है और 500 पे जाके ये हजारस हो जाता है. देखिए करीब मेरे पास 8 से 10 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, उसमें से 6 ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं. और पहले बोलता हूँ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, जिन्होंने 55 से काट के 40 का किया है. खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. दरअसल UBS का कहना है कि जो इस कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इस कंपनी के लिए काफी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो रह सकता है. इनकी जो डिजिटल स्ट्रैटेजी है वो काफी बेहतर है, जिसके चलते यहाँ एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इनको दिखती है. बजाज फाइनेंस और नेटवर्क की तरफ से खबरें आ रही हैं कि ये अपना QIP लॉन्च करने जा रहे हैं अर्ली दिस वीक. अब अर्ली दिस वीक मतलब हो गया कि शायद वेनसडे या वेनसडे से पहले ये QIP लॉन्च. तो 7 दिनों तक हमने बैक टू बैक उछाल हरे निशान पे क्लोज दिया, उसके बाद आज फाइनली उस तगड़ी रैली पर एक पॉज लगता हुआ. जो ज्वेलरी सेगमेंट की ग्रोथ है वो 11 से 13% की रहेगी, जो 22% से इन्होंने शुरू किया था साल. नंबर्स जो आए हैं वो अनुमान से कमजोर हैं. रेवेन्यू का अनुमान 4,415 करोड़ का था, जो 4,435 करोड़ आया. हर पैमाने पे इन्होंने बीट किया है, लेकिन आगे की चिंता ये दिखा रही है कि मैनेजमेंट डिमांड के चल रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल आएगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी कीन and is working very clearly together with RBI to see how best we can, where necessary, tweak the existing law to help the people who are affected in this one sector. किसानों को और चीनी मिलों को वो एक बड़ी राहत देने जा रहे हैं, और ये ऐलान कल बाजार बंद होने के बाद आया है. The investigation is ongoing and we will provide a summary of the investigation results after it is complete. While I cannot address the substance of the ongoing investigation or the complaints merits. इस तरह का एक्शन पैक्ड ये हफ्ता रहा है, और ध्यान रखें हमें कई सारे इवेंट्स को चॉप करना पड़ा, नहीं तो ये काफी लंबी बाइट बेल्ट हो जाती. लेकिन उन तमाम इवेंट जो मिस आउट भी करें, अगर मैंने इस बाइट बेल्ट में, हमने इस बाइट बेल्ट में, तो उस पर हम लोग इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इस हफ्ते का डेवलपमेंट था कि पिछले 7-8 दिन से लगातार तेजी, लगातार उछाल के साथ कामकाज हुआ. कल वो पहला दिन था जब उछाल पे ब्रेक लगता हुआ नजर आया, एक लाल निशान के साथ कामकाज हुआ. हालांकि ध्यान रखें लोअर लेवल से कल भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट के आसपास. और आज का सेशन डायरेक्टर साहब लेकर आए, लगा था कि आज बैक टू बैक दूसरा दिन होगा जब कमजोरी या दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे, पर लोअर लेवल से क्या गजब की रिकवरी. आज ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे भारतीय बाजार पहुंचते हुए, 850 आज दिन के लोस थे, और देखिए 960 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ, ऑलमोस्ट 100-110 पॉइंट का लोअर लेवल से स्विंग आ रहा है. और दो रीजन है इस तरह की तेजी के पीछे, इन्फोसिस जिसने आज दिन के दौरान अच्छा उछाल दिखाया वो स्टॉक डायरेक्टर साहब फायर कर देंगे, और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस जिसको लीड कर रहा है इस समय ICICI बैंक. अदरवाइज बाकी प्राइवेट बैंक्स में भी दिग्गजों में भी अच्छा उछाल है, और इसीलिए लो लेवल से निफ्टी में इस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है. तो सेठी साहब के पास जाऊं फंडामेंटल से बातचीत करने के लिए, उससे पहले एक काम करते हैं, इस रिकवरी को कैसे भुनाना ये जान लेते हैं. स्वाति, क्या कोई मौके हैं क्या? अब ये दिक्कत ये है कि 12,000 के कॉल पे बड़ा तगड़ा बिल्डअप है, और बार बार आके उस जोन्स के आसपास हम थक जा रहे हैं. अभी जो रिकवरी आ रही है, क्या अभी फर्दर लेग्स नजर आते हैं इस पर में भी मौके खरीदारी करने के, या फिर बाय ऑन डिप सी एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, जल्दबाजी ना करो? आप कैसे अप्रोच करोगे इस तेजी को इस समय जो हो रही है? जी आशीष जी, डेफिनेटली जैसे आपने कहा, लास्ट 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन हमने कंटिन्यूस एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं निफ्टी में. निफ्टी में 12,000 साइकोलॉजिकल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली विद इन अ स्पैन ऑफ 1 से 2 दिन में हम लोग 11,200 के लेवल्स दिखाई देंगे नीचे में. मुझे लगता है फिलहाल ये मार्केट अभी भी, हम लोग ने जो अभी इंट्राडे रैली देखी है इसमें स्टॉक स्पेसिफिक कोई मोमेंटम मुझे पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है, जस्ट इंडाइसिस भाग रहा है, बट मुझे कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम
मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, तो एट द करंट लेवल मेरा भी थोड़ा बहुत कॉशियस रहेगा। अगर बाय कॉल लेने ही है तो 12,000 के अगर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो ही ले लीजिएगा। अदरवाइज नीचे में मुझे लगता है वापस अगर 870-840 के रेंज में आती है निफ्टी, तो इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। क्योंकि अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखें तो डिक्लाइंस रेशियो काफी स्ट्रांग है फिलहाल, तो एडवांस ऑलमोस्ट निफ्टी में देखूँ तो 700 है एंड एडवांस में मैं देखूँ तो 1100,000 के आसपास है। तो मुझे ये मार्केट में अभी फिलहाल तो मुझे नजर आ रहा है कि हमें इंडाइसेस में रैली दिखाई दे रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक रैली ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखेगा, अगर निफ्टी में 12,000 का ब्रेकआउट होता है तो ही बाय कीजिएगा, अदरवाइज इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। ठीक बात, तो गिरावट में खरीदारी, और ये वाकई हम लोग इस चैनल पे मंडे से यही बातचीत कर रहे थे कि कोई भी एंट्री पॉइंट्स मिले, थकावट आए बाजार में, एंट्री पाना चाहिए। कल देखा होगा आपने लो लेवल से 50-55 पॉइंट, और आज देखिए 110 पॉइंट के आसपास निफ्टी में रिकवरी। और इस हफ्ते की शुरुआत में वीरू मेंशन कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में कि 30,500 अगर निफ्टी बैंक पे निकलता है और कन्विक्शन के साथ उसके ऊपर ट्रेड शुरू होता है तो नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। हमारी टिकट टीम नीचे बाकायदा चला रही है आपके लिए कि आज इंट्राडे में ध्यान रखें, हमने 30,570 तक के लेवल छू लिए, वहां से कुछ ठंडे हिस्से में पड़े हुए हैं लेकिन उन लेवल्स के उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच करने की हम तैयारी में हैं, तो उस पर नजर बना के रखेंगे हम लोग। लेकिन सेठी साहब, ये डोमेस्टिक क्यूज तो बहुत सारे थे ही थे, लेकिन इस बार ग्लोबल संकेत भी कंड्यूसिव होते चले जा रहे हैं। बड़ी उम्मीद है कि एटलीस्ट ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर का फेज वन तो जल्दी कल्मिनेट हो सकता है। ट्रंप साहब तो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं उसको लेकर, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव कैसा लगता है, बैकड्रॉप कैसा लगता है? और निफ्टी एट ऑलमोस्ट 11,950, फंडामेंटली क्या राय बनती है आपकी? देखिए, गुड आफ्टरनून आशीष, जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, डोमेस्टिक क्यूज भी काफी पॉजिटिव है और इंटरनेशनल क्यूज भी काफी पॉजिटिव है, और उसकी वजह से हमने देखा दुनिया भर के बाजारों में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक्स है उससे बहुत उम्मीदें हैं, और अगर वो होता है तो मुझे लगता है ओवरऑल एक बहुत अच्छी तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स में बनेगी। खास करके जो सेक्टर इससे हमारे मार्केट में भी इंपैक्टेड होंगे पॉजिटिवली, वो रहेंगे मेटल्स का, और उसमें हमने निचले लेवल से एक अच्छी खासी तेजी भी देखी है। तो मुझे लगता है इन सब पॉजिटिव न्यूज फ्लो के मद्देनजर हमारे बाजार जो कि ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास आ चुके हैं, मुझे लगता है एक अच्छी तेजी कर सकते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट सर, मुझे लगता है अगर आपका अप टू इस कैलेंडर ईयर एंड का भी अगर आपका व्यू है तो मुझे लगता है वी कुड सी लेवल्स ऑफ 12,500 ऑन द निफ्टी। अरे वाह, 12,500, तो 12,103 अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है, और सिटी साहब कह रहे हैं इवेंचुअली तो 12,500 की तैयारी कर रहा है। इस तरह का मूड और माहौल कंड्यूसिव हो रहा है तो फिर बाय ऑन डिप्स है, कोई भी मौके मिले भारतीय बाजारों में एंट्री पाने का मौका ढूंढना है। अब क्विकली स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर लेते हैं, और सबसे पहले डॉक्टर साहब इंफोसिस को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, आज का चार्ट दिखा दीजिए चाहे आप, उसके बाद एक महीने का चार्ट भी दिखाइएगा क्योंकि उसमें वो विसल ब्लोअर की कंप्लेंट के बाद का मूवमेंट कैप्चर हो पाएगा। आज देखिए 2.5% का उछाल, बेंगलुरु में इस समय एनुअल कॉन्फ्रेंस कॉल इन्वेस्टर मीट इंफोसिस की चल रही है, और उससे पहले जो नंदन निलकड़ी साहब के बयान आए उसके बाद उत्साह इस स्टॉक में देखने को मिला, मजबूती के साथ कामकाज। वैसे जब विसल ब्लोअर की कंप्लेंट आई थी तो आप लोग को याद होगा ये स्टॉक उस समय चलता था 730 ऑड लेवल्स के आसपास, 770 के, और उसके बाद गिर गिर के 615 के लेवल्स पे चला गया था। ये देखिए 600, और वहां से लगातार रिकवरी ये स्टॉक दिखाता हुआ और इस समय 700 के कन्विंसिंगली ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सेठी साहब, विसल ब्लोअर का जैसे जैसे मामला लंबा जा रहा है, उस कन्विक्शन स्ट्रीट का आ रहा है कि शायद इंफोसिस का पलड़ा भारी है, क्योंकि कोई प्रूफ जिसको लेकर डर था कि ईमेल्स आएंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं जैसा विसल ब्लोअर ने क्लेम करा था, वो अब तक तो इंफोसिस के पास आई नहीं, वो आपने पढ़ा भी होगा उनके जो अपडेट्स आए थे। क्या करना चाहिए इंफोसिस के स्टॉक पे, इसको लेकर रिलेटेड डेवलपमेंट का स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम पचा चुका है क्या, या इन लेवल्स के आसपास भी खरीदारी करने के मौके हैं, या आप वो लेवल्स आ चुके हैं कि आप क्लैरिटी आने दीजिए पूरी तभी घुसूंगा, क्या करना है? देखिए बिल्कुल आशीष, जो विसल ब्लोअर की जिस दिन कंप्लेंट आई थी स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट हुई थी, 750 के लेवल से हमने जो नीचे के लेवल्स देखे 615 के, उसके बाद से जैसे जैसे क्लैरिटी आई है स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। बट मुझे लगता है अगर ये मामला और नहीं बढ़ता है और यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो फिर तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल लपक के लेना चाहिए। बहुत ही शानदार कंपनी है, और विद इन द स्पेस भी आप देखेंगे तो जो नतीजे पिछले कुछ क्वार्टर्स से आ रहे हैं इसने अपने पीयर्स को भी बीट किया है, और
हाल ही में भी जो नतीजे आए थे उसके दिन हमने देखा 820 तक के लेवल से स्टॉक ने टच किया, बट फिर ये खराब खबरों के चलते स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जिन्होंने बिल्कुल इन्वेस्ट किया हुआ है वो तो बिल्कुल बने ही रहना चाहिए। बाकी जैसे ये क्लैरिटी आती है, अगर ये विसल ब्लोअर का जो मामला है वो निपट जाता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेजी के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। मेरा एक साल का लक्ष्य है इस स्टॉक में 900 रुपए का, 900 के टारगेट्स। एक बार विसिल ब्लोअर के मामले से क्लीन चिट मिल जाए जो ऑडिट कमेटी है उसकी तरफ से, तो अच्छी तेजी लपक के। ऐसे वर्ड से क्या होता है, एनालिस्ट का कन्विक्शन नजर आता है। तो सेठी साहब ने जो वर्ड यूज करा उससे उन्होंने अपना कन्विक्शन दिखा दिया है इस स्टॉक को लेकर। अच्छा, एक और कंपनी टाइटन कंपनी का स्टॉक, इस पे सेठी साहब के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि फंडामेंटली सेठी साहब कहेंगे खरीद लो। टेक्निकली इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय 9-10% का दबाव, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए तो इस तरह का रिएक्शन टाइटन कंपनी का स्टॉक दे रहा है। नौ, देखिए आप लोग की स्क्रीन पे 9.5% का दबाव इस समय टाइटन झेलता हुआ, क्या करना, और मैं रीजन बताऊंगा, उससे पहले ट्रेड जान लेते हैं क्या करना है स्वाति से। स्वाति, ये गिरावट में खरीदारी करने का मन या चार्ट्स वाकई अब बिगड़ गए? नहीं, डेफिनेटली ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट। हम लोग ने आज गैप डाउन देखा था, अभी 200 डीएमए जो कि ऑलमोस्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि आसपास 11,040 के रेंज में आता है। तो मुझे लगता है अगर ये भी डेफिनेटली काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। 1140 1100 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो अगर वहां पे आता है ये काउंटर तो डेफिनेटली इट्स अ फ्रेश बाय कॉल फ्रॉम माई एंड। मुझे लगता है ये सिर्फ रिजल्ट का इम्पैक्ट है, बट डेफिनेटली हमें नीचे से बाइंग देखने मिल सकती है एंड विच माइट स्टॉक अगेन बैक टूवर्ड्स 1250-1300 के लेवल्स हमें डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो अगर ये नीचे आता है 1140-1100 के आसपास तो डेफिनेटली इट्स अ बाय कॉल फ्रॉम माय एंड। नीचे में आप 10,070 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके बाय कर सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, तो यहाँ से हल्की कमजोरी आती है, ज्यादा दूर नहीं, 20 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास के दबाव की बात करें स्वाति एंट्री पॉइंट्स के तौर पे, और फिर वापस ऊपर के स्तर खुलते हुए नजर आएंगे। रिजल्ट कमजोर थे और गाइडेंस रिड्यूस करी उसका इंपैक्ट था। सेठी साहब, समय कम बचा है। अच्छा, इस समय रियल एस्टेट स्टॉक्स लाइमलाइट में आ गए। कल मुंबई आई थी निर्मला सीतारमन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 25th एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करने, और वहां पे स्पीच के दौरान उन्होंने कह डाला कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अब तक कोई बड़े सिग्निफिकेंट कदम उठाए नहीं गए। उन्होंने हिंट ड्रॉप करी कि एक बूस्टर्स डोज की तैयारी हो रही है, आरबीआई के साथ में उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री बातचीत कर रही है हालात सुधारने के लिए। अब सिटी साहब, पता नहीं डेवलपमेंट क्या होंगे, क्या करने वाले हैं, तमाम अटकलें तो लगने शुरू हो चुकी हैं, पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर किसी पे दाव लगाना है तो सबसे प्रेफर्ड फंडामेंटल पिक एक या दो बता दें। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर आपको इस खबर को प्ले करना है और मोमेंटम को प्ले करना है तो सबसे अच्छे स्टॉक रहेगा डीएलएफ, जो कि एफएनओ में भी ट्रेड होता है और आज एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। बाकी फंडामेंटल्स के लिहाज से मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा डेवलपर्स, ओवरऑल रियल्टी, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो अच्छी लगती है। मुझे लगता है कोई भी जो बूस्टर डोज अगर रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा तो उसका फायदा इन तीनों चारों कंपनियों में बिल्कुल देखने को मिलेगा। हाँ। तो यहाँ पे नजरें रखें और बिल्कुल गिरावट में खरीदारी करें तो डीएलएफ, और फिर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर जिनकी आमतौर पर चैनल पे बात होती रहती है, शोभा, ओवरऑल रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सब ध्यान रखें, आप लोग की प्रिफर्ड बेट्स होनी चाहिए। अच्छा स्वाति, आप चार्ट चेक बताइएगा, और सेठी साहब क्विकली आपसे एक कॉल, इस हफ्ते कुछ बीटन डाउन स्टॉक्स जो है ना गजब का मूव दिखा रहे हैं, सब 15% ऊपर हैं। 15% ऊपर इसीलिए क्योंकि पिछले तीनों दिन 5-5% के अपर सर्किट लगे हुए हैं, इससे पहले से मोमेंटम शुरू हो चुका है। इंडिया बुल्स वेंचर्स, कॉफी डे एंटरप्राइजेस, डीएचएफएल, सीजी पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ग्रुप के बाकी स्टॉक्स भी जोड़ लो एडीएजी के, ये सब बड़ी तेजी में है। फंडामेंटली कुछ खरीदने वाले हैं या ये बस स्क्रीन पे देखूं और मजे लूं, है ना? नहीं बिल्कुल, स्क्रीन पे देख के मजे लेना चाहिए, इनमें बिल्कुल ट्रैप नहीं होना चाहिए। ये जो स्टॉक्स है लोगों को लगता है बहुत ज्यादा बीटन डाउन है इसलिए उसमें तेजी बन जाएगी, तो अगर आप स्क्रीन पे बैठे हो, ट्रैक कर सकते हो, तब तो ट्रेड करिए, बट निवेश करने के लिए बिल्कुल दूर रहने की सलाह रही है। तो ध्यान रखिएगा ये सब मोमेंटम में है, लेकिन ट्रैप ना हो जाए, फंस ना जाए इनमें, आप ये सब देखें, एंजॉय करें। बाकी जो सेठी साहब तमाम फंडामेंटल स्टॉक्स या स्वाति जो स्टॉक्स टेक्निकली बता रही हैं उन पे दाव लगाना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार बचे हुए ढाई हफ्ता जो है उसमें, ढाई हफ्ता नहीं, ढाई दिन बचे इस हफ्ते के, उसमें किस तरह के इवेंट्स अनफोल्ड होंगे और उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो उस पर बातचीत। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
भागेगा भागेगा बाबा ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन आइटम बाबा के दरबार में सब भक्तों का स्वागत 20 सालों की कड़ी तपस्या लोगों ने ट्राई किया बहुत कुछ पर इनकी आंखें ना खुली सचमुच बाबा सैमको पर ट्रेडिंग अब सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज पर कर सकते हैं पता है अब मार्जिन ट्रेडिंग भी ना उतने में ही क्या तूने बाबा की आंखें खोल दी सैमको मार्जिन ट्रेडिंग के साथ स्टॉक्स खरीदने के लिए 4 गुना तक फंड्स पाइए और ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग जीके टीएनटी के सामने आग संग भूकंप जैसा हर खतरा जरूर सलाम ठोकेगा जीके टीएनटी सरिया हमारी ताकत देश की हिम्मत हर एक की लाइफ में अलग अलग चीजें हैप्पीनेस की वजह बनती हैं, पर मुनाफे की मिठास हर लाइफ में खुशियां घोलती है अपने हैप्पीनेस के मीटर को हर रोज बढ़ाएं और मार्केट बंद होने से पहले हमारी शानदार ट्रेडिंग टिप्स से जबरदस्त मुनाफा कमाएं। देखिए कमाई का हैप्पी आवर आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर के प्रायोजक है फिनवेजिया यहाँ जीरो का मतलब जीरो है ढोकला टेस्ट करा ले ओ सरस जी पैक कर दो अरे र पात्र पात्र टेस्ट करा समोसा पैक कर दो अरे र एक बार मां स्वाद मिले न मिले लोड जरूर मार से अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर आज ही दो हाथी वाले मुथूट फाइनेंस आइए और लाइफ में आगे बढ़िए कॉल कीजिए 1-800-313-1212 खेतों में पानी सूर्या बेहतर जिंदगानी सूर्या बिल्डिंग हो बनानी सूर्या चाहे आसमानी सूर्या फायर हो बुझानी सूर्या हो तेल या पानी प्रकाश सूर्या स्टील पाइप भरोसा 50 सालों का इन्वेजिया इंडिया का कमीशन फ्री फाइनेंशियल इकोसिस्टम जीरो ब्रोकरेज इंट्राडे जीरो ब्रोकरेज डिलीवरी जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो AMC जीरो क्लियरिंग चार्जेस जीरो कॉल इन ट्रेड जीरो मिनिमम बैलेंस जीरो वॉल्यूम कमिटमेंट यहां जीरो का मतलब जीरो है इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग ब्रेक के बाद मिड पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हमारी मदद कर रहे हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और निर्मल बैंक की स्वाति होतकर आप दोनों का फिर से स्वागत है अच्छा इवेंट्स कैलेंडर डॉक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए जो हफ्ते के इवेंट्स हैं ध्यान रखें आज सिप्ला और टाटा स्टील के मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में सिप्ला और बाजार बंद होने के बाद टाटा स्टील के नंबर्स आएंगे कैबिनेट और CCEA की आज देर शाम बैठक भी होनी है एजेंडा हालांकि अब तक क्लियर नहीं है और इन्फोसिस की वो एनुअल एनालिस्ट मीट चल रही है तो अज्यूम करिए आज शाम को तमाम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आनी है कल उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं तो इन्फोसिस और भी रडार पर रहेगा कल भी कल यानी कि थर्सडे को वीकली एक्सपायरी तो है ही खैर और चार निफ्टी की कंपनीज BPCL सन फार्मा UPL और पावर ग्रिड अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी बजाज फाइनेंस का जो QIP इशुएंस हुआ था कल वो QIP का प्राइस तय करा जाएगा उसकी बोर्ड मीट है और साथ साथ इंटरग्लोबेशन रडार पर रखे इंडिगो और कतर एयरवेज के बीच में एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट होना है कतर एयरवेज ने क्लियर कर दिया कि वो स्टेक तो नहीं खरीद रहे तो ये अनाउंसमेंट कोड शेयरिंग का है किसका है इस पे नजर होगी फ्राइडे को हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा और चार निफ्टी की कंपनीज और M&M आइशर नेस्ले और गेल इनके रिजल्ट्स आएंगे और हाँ एक और इश्यू है मुंबई ट्रैवल करने वाले आने वाले या मुंबई से उड़ के जाने वाले दिक्कत होने वाली है 8 घंटे दिन में फ्राइडे ऑनवर्ड्स मुंबई का मेन एयरपोर्ट का रनवे जो है वो क्लोजर होगा मेंटेनेंस के लिए तो यहां से लेके दिसंबर तक पूरा शेड्यूल गड़बड़ाने वाला है फ्लाइट्स डिलेज होंगी इस बात का ध्यान रखना अच्छा इस समय निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है 1% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ स्वाति बचा हुआ जो 2.5 दिन है उस लिहाज से निफ्टी बैंक को खरीद लूं कैन लेवल्स के आसपास लगता है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम में है ओवरऑल तो बट मुझे लग रहा है कि काफी रिस्की रहेगा क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इवेंट्स जो भी चल रहे हैं या न्यूज आ रहे हैं उसके वजह से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर 30,700 ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी 31,000 to 31,400 के लेवल्स तक कॉल पुट ऑप्शंस में डेफिनेटली कर सकते हो बट फ्यूचर्स में लिटिल बिट थोड़ा सा रिस्की रहेगा और एल्स मैं कहूंगी कि एक बार 30,700 का ब्रेकआउट रहता है तो आप बाय कर सकते हो फ्यूचर्स में 500 का स्टॉप लॉस रख सकते हो ऊपर में मुझे लगता है 31,200-31,400 के लेवल्स देखने मिलेंगे बट इट्स अ कंडीशनल बाय अगर ये 30,700 ब्रेक करता है तो ही
कंडीशनल बाय, और इस बीच जरा गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक सीन्स पे ले आए, रिजल्ट्स आ गए और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर, 21.1% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, 21.7% के मार्जिन आए, प्रॉफिट का आंकड़ा इसीलिए 392 करोड़ उसकी उम्मीद थी, 414 करोड़ आया है, और वॉल्यूम ग्रोथ भी 7% की क्लॉक करी है। तो नतीजे कल डाबर में भी आपको याद होगा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर था और आज गोदरेज कंज्यूमर का भी बेहतर। सेठी साहब कैसा लग रहा है ये स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर 745-750 के जोन्स पर? नहीं बिल्कुल आशीष, देखिए नतीजे हैं, नतीजे तो बहुत ही अच्छे हैं और हमने देखा बाकी भी जो एफएमसीजी कंपनीज के नतीजे हैं जैसे डाबर है, एचयूएल है, आईटीसी है, उनके भी नतीजे अच्छे थे, तो सेक्टर पे बुलिश हूँ। हालांकि इस स्टॉक पे क्या कल भी एक तेजी बन गई है और आज भी 2.5% ऊपर है, तो मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़े गिरावट का इंतजार करना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है और आपको थोड़े गिरावट का इंतजार करके बिल्कुल खरीदना चाहिए। 4.25% का वो चाल रिजल्ट पे देखिए, वो शार्प रिएक्शन आना शुरू हुआ है कल की तेजी के ऊपर, अब 30 रुपए की मजबूती और 4.25% का उछाल। चलिए इस नोट पर सेठी साहब, स्वाति जी, आप दोनों का धन्यवाद वक्त निकालने के और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। ब्रेक, ब्रेक के उस पर हर्षदा कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स और बाकी के रिजल्ट जो है वो लाइम लाइट करेंगे। Yes, Steel presents Majboot Stocks of the Day. के प्रायोजक है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। So now every time you're puzzled, we have the solutions. Pantomath, trusted business solutions. चिवागो पे मैं मॉम एंड डैड की वेकेशन के लिए परफेक्ट होटल सबसे अच्छे डील में पा सकती हूँ। चिवागो प्रमुख बुकिंग वेबसाइट्स को स्कैन करता है ताकि आप अपने पसंदीदा होटल पे सबसे अच्छी डील पा सकें और 3,600 रुपए तक बचत कर सकते हैं। होटल चिवागो। चाल शानदार रणनीति बदलेगी आपकी किस्मत, मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है SMC मनी वाइज बी वाइज। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर कौन सा शेयर खरीदें? कंफ्यूज्ड? मैं तो क्लियर हूँ क्योंकि मेरे पीछे SMC। SMC Money Wise Be Wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Dolega bhagega. Baba all seasons ke liye kuch bhi karega. I'm a man of all seasons. कुछ ऐसे ही स्टॉक मार्केट की लाख बात बने आपके मतलब की एक बात। नए स्टॉक नोट ऐप पर अब सब कुछ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। खेतों में पानी सूर्या, बेहतर जिंदगानी सूर्या, बिल्डिंग हो बनानी सूर्या, चाहे आसमानी सूर्या, फायर हो बुझानी सूर्या, हो तेल या पानी। प्रकाश सूर्या स्टील पाइप, भरोसा 50 सालों का। क्या आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है? आपको चाहिए होगा एक ऑफिस, स्टाफ, रिसर्च, सेबी रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर। टेंशन हटाओ और ये सब कुछ पाओ विद AAA फ्रॉम IIFL सिक्योरिटीज। कीजिए इक्विटी में ट्रेड, ऑफर कीजिए क्लाइंट्स को मल्टीपल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और कमाइए उम्दा कमीशन। 360 डिग्री पोर्टफोलियो रिपोर्ट के साथ अपना बिजनेस भी ट्रैक कीजिए। आज ही IIFL.com/AAA पर रजिस्टर कीजिए और बन जाइए एडवाइजर एनी टाइम एनीवेयर। AAA बाय IIFL सिक्योरिटीज। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Dhoni Review System. Cars 24 में मिलेगा गाड़ी का best price. मैंने खुद review किया है. मेरी मानो, कार बेचनी हो तो Cars 24. पिज्जा तो आप ही का है,
लेकिन कमीशन तो इनकी बनती है ना। क्या आप रियल लाइफ में ऐसा होने देते हैं? फिर ट्रेडिंग में क्यों? फिनवेशिया, यहाँ जीरो का मतलब जीरो है। फिनवेशिया, सिंपली कमीशन फ्री। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। के प्रायोजक है मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षदा सावन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी फ्यूचर्स 12,000 के पार निकला। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से करीब 500 पॉइंट उछला। निजी बैंक इंफोसिस और फार्मा शेयरों ने दिया बाजार को जोश। इंफोसिस मामले में बड़ा खुलासा। मनी कंट्रोल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक किसी को फाउंडर और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने दिया विसल ब्लोअर का साथ। हालांकि कंपनी के चेयरमैन नंदन निलेकनी ने आरोपों को किया इनकार। कहा छवि बिगाड़ने के मकसद से आरोप लगाए गए। स्टॉक आज 3% ऊपर। और खराब नतीजों के बाद टाइटन में 9% से ज्यादा की गिरावट। शुरुआती कारोबार में शेयर में हुई बड़ी ब्लॉक डील्स। कंपनी ने दूसरी छमाही में ज्वेलरी कारोबार पर दबाव की जताई आशंका। ब्रोकरेज हाउसेज ने घटाए लक्ष्य। और एथेनॉल उत्पादन को लेकर सरकार से राहत मिलने पर चीनी शेयरों में जोरदार तेजी। 2-3% चढ़े द्वारिकेश, मवाना और धामपुर चीनी के शेयर। बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद से भागे रियल्टी कंपनियां। इंडेक्स 2.5% उछला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा रियल्टी सेक्टर को लेकर आरबीआई से चल रही है बातचीत। जल्द आ सकता है बड़ा पैकेज। और टाटा स्टील सिप्ला के नतीजे आज। टाटा स्टील के मुनाफे में 90% गिरावट का अनुमान। मार्जिन में दबाव की आशंका। सिप्ला के मुनाफे में 12% की बढ़त संभव। वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। सबसे पहले मार्केट के एक्शन को आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऊपरी लेवल से बाजार फिसला जरूर, लेकिन अब रिकवरी मोड में है और एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। तो सुबह में जो आपको कहा गया था कि आज डिप पर खरीदारी करनी है, ठीक वही हुआ है। और लगभग डेज लो जो करीब 11,860 के आसपास का था, वहां से हम 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक आप देखिए, वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन बना है और ये इनफैक्ट एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है। लो से करीब 470 से 500 अंकों की रिकवरी आ चुकी है और ये एक अच्छा माहौल पैदा कर रहा है इस समय। खास तौर से जो निजी बैंक है उनकी बदौलत हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी लौटी है इस इंडेक्स में। साथ ही बड़े बूस्टर डोज की उम्मीद में रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना की ट्रेड डील जल्द होगी, उस पर मोहर लगेगी तो मेटल स्टॉक्स भागे। एथेनॉल उत्पादन को लेकर सरकार की ओर से जो राहत मिल रही है उससे चीनी शेयरों में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी भी बनती दिखाई दी है। तो ये रफली वो तमाम सेक्टर्स है जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी। मेटल और प्राइवेट बैंक्स में भी जैसे हमने आपको कहा अच्छी तेजी बनी हुई है। गोदरेज कंज्यूमर इस समय अभी भी 4% ऊपर। इनफैक्ट नंबर्स से पहले एक अच्छी खासी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी और वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। डेज हाई के करीब आ चुका है ये काउंटर। यहाँ पर दरअसल वॉल्यूम ग्रोथ अपर एंड पर आए हैं और उससे बाजार में ऑफकोर्स पूरा जोश, पूरा उत्साह बनता हुआ दिखाई दिया। लगभग 7% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर सामने रखा है जहां पर 6-7% के आसपास का अनुमान था। तो ये वो स्टॉक हुआ जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस समय रिकवरी में जो तेजी आई है, अब किन स्टॉक्स पर भरोसा करना चाहिए और साथ ही साथ इंडेक्स में जो पुल बैक आया वो कहां तक ले जाएगा ट्रेड को, इस पर राय लेंगे। हमारे साथ प्रकाश है, वरुण आपको बताएंगे कि मिड कैप्स में क्या हो रहा है और ऑफ कोर्स सुमित आपको बताएंगे कि आज जिन कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। लेकिन पहले इंडेक्स का ट्रेड। कावा साहब आफ्टरनून, बताइए क्या करेंगे?
मेरे ख्याल से लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एक बार 12,000 क्रॉस हो जाएगा तो फिर जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है इंडेक्स में है 12,115, मुझे लगता है वहाँ तक जाना चाहिए। 12,000 से लौटा है सिर्फ 3 पॉइंट से, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोअर लेवल से जहाँ से बाउंस मिला है अभी बहुत अच्छी जगह से बाउंस हुआ है और तगड़ा बाउंस मिला है, तो मेरे ख्याल से ऑन अपसाइड। ओके, अपसाइड है। और स्टॉक्स जो सहारा देंगे इस अपसाइड का, ट्रेड का मौके कहाँ? मुझे लगता है यहाँ पर सिप्ला फार्मा में काफी हद तक तेजी नजर आती है। सिप्ला एक अच्छा लगता है स्टॉक, इसका जो टारगेट है अंदर अपसाइड सिप्ला का 490 का है और शायद 490 से 500 भी चला जाएगा, स्टॉप होगा 474 में, तो सिप्ला में बाइंग नजर आती है। और दूसरा है गुड ओल्ड डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी नजर आती है। दो तीन दिनों से जो हम मुंह देख रहे थे उसका टारगेट मुझे लगता है 2900, तो अब तो काफी बढ़ गया, 2950 से 3000 का टारगेट नजर आता है, लेकिन आते थोड़े वक्त लगेगा, स्टॉप होगा 2850। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए दोनों ही ट्रेड्स, फार्मा से सिप्ला और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज में तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, ये आपके लिए राय बनती दिखाई दे रही है। चलिए वरुण को जोड़ लेते हैं, और वरुण आपको बताएंगे कि मिड कैप में हो क्या रहा है। यहाँ पर भी नेशनल लेवल से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन इंडेक्स सिर्फ 36 पॉइंट ऊपर है। वरुण, बड़ा एक्शन कहाँ है? डेफिनेटली सिर्फ 36 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट ऊपर है, ये अच्छी बात है। तो शुरुआत उन स्टॉक से करेंगे जहाँ हरे निशान में कारोबार हो रहा है, उसमें देखिए जीएमआर इंफ्रा, हुडको, टोरेंट पावर और बायोकॉन जैसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी खासी खरीदारी। इनफैक्ट बायोकॉन ऊपरी 100 से कुछ हल्का हुआ, लेकिन अभी भी तेजी, और पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी इस काउंटर में देखने मिली है। बाकी स्टॉक्स में 4-6% के आसपास की तेजी है। खबरों के चलते जो स्टॉक्स एक्शन में है, स्पार्क, इन्होंने चाइना मेडिकल सिस्टम होल्डिंग के साथ एक लाइसेंसिंग डील की है, उसका इम्पैक्ट 8% के आसपास की तेजी। SRF, इन्होंने कहा है कि FY20 का जो केमिकल बिजनेस का ग्रोथ गाइडेंस है उसको 40% पे अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, 4% के आसपास की तेजी इसमें है। और अरविंदो, हालांकि इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि हैदराबाद यूनिट के जो ऑब्जर्वेशन है वो डेटा इंटीग्रिटी को लेकर नहीं है, लेकिन अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। शायद स्टॉक में देखिए 5.5% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। नतीजों का इम्पैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में है, सबसे पहले JSPL, नतीजों के बाद देखिए 3.75% के आसपास की तेजी, लेकिन चोला इन्वेस्टमेंट, अपोलो टायर्स, गुजरात गैस, ग्रीव्स कॉटन, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जिनके नतीजे या तो कल बाजार बंद होने के बाद आए या उसके पहले आए थे, और इन सभी स्टॉक्स में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, दबाव के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर जो आज काफी चमका है वो है रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद है। इसके लिए DLF, शोभा जैसे काउंटर में 5-5% के आसपास की तेजी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में कल नतीजे आए थे, उसका भी इम्पैक्ट है, और आज CLSA ने इसका प्राइस टारगेट भी बढ़ा दिया है, 1100 से बढ़ा के 1200 किया है, तो उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है। इसके 3.5% के आसपास के गेंस वहाँ हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स, वरुण बेवरेजेस, नतीजों के बाद लगातार तेजी है, कल भी CLSA की जो रिपोर्ट थी उसके बाद तेजी देखने मिली, आज भी 8% के आसपास की तेजी। यूनाइटेड बेवरेज, कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले स्टॉक में 3.5% के गेंस। गोदरेज कंज्यूमर्स, नतीजों के पहले भी तेजी थी, अभी भी 3.5% की तेजी, और अवंती फीड्स में भी करीब 6-6% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स में गिरावट है उसमें ग्लेनमार्क फार्मा है, 5% के आसपास की गिरावट। PSU बैंक्स जो है उनमें गिरावट देखने मिल रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.5% गिरा हुआ, GETND और KEI इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर है जहां गिरावट देखने मिल रही है। तो वैसे तो दोनों तरफ का रुझान है, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खासकर रिजल्ट्स को लेके और खबरों के लेके उन स्टॉक्स में आपको अच्छी खासा एक्शन देखने मिल रहा है। शुक्रिया। तो खबरों वाले शेयरों पर सबसे ज्यादा फोकस इस समय मार्केट का, शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। और खबर में तो आज खबरों में इंफोसिस भी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहां पर निकल कर आई है। हमारे सहयोगी वेबसाइट moneycontrol.com को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक को फाउंडर और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने विसल ब्लोअर के साथ मिलकर कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों का सिरे से इनकार कर दिया। इनफैक्ट ये इस रिपोर्ट पर ज्यादा डिटेल्स मनी कंट्रोल के डेप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज मिश्रा से लेते हैं। पंकज, इनफैक्ट आप ही ने ये रिपोर्ट लिखी है, बताइए आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि मामला गंभीर है। विसिल ब्लो कंप्लेंट पर हमने देखा है स्टॉक की क्या धुलाई हुई। जी हाँ चेता, तो हमारे सूत्रों ने ये बताया है कि कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी जो पहले वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और एक को फाउंडर की मिली भगत रही है विसिल ब्लोअर्स के साथ, और इस वजह से जो है कंपनी में फिर से काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, कई तरह के एक्विजिशंस लग रहे हैं, और इन सब का खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट का समय है, जो बैंडविड्थ है, वो इन लड़ाइयों में काफी जाने वाला है। इस पर इनफैक्ट कंपनी का बयान भी आया पंकज, आपने भी वो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि प्रतिबद्ध रहे हैं तमाम को फाउंडर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, और ऑफ कोर्स आपने कॉन कॉल में भी बात सुनी जो नंदन निलेकनी ने कही, उसे आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, जहां तक हमारे सूत्रों ने बताया है और हमारे सूत्र इन मुद्दों के काफी करीब हैं, तो जहां तक हमारी कहानी का प्रश्न उठता है और हमारे सूत्रों ने जो बताया है उसमें मुझे किसी भी तरह से कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो हमने लिखा है वैसा ही हो रहा है। और कुछ खुलासा आप कर पाएंगे इस समय कि वो कौन से को-फाउंडर हैं जो शायद विसल ब्लोअर्स का साथ दे रहे थे, जो इस मामले में शायद इन्वॉल्व रहेंगे? देखिए, अभी तक की जो बात हमें पता चली है अपने सूत्रों से वो ये है कि एक तरह की मिलीभगत की गई विसल ब्लोअर्स के साथ, और उसमें एक एक था जो कि एक्विजिशंस लगे हैं सलील पारेख और जो सीएफओ निरंजन रॉय हैं उनके खिलाफ, वो एक अलग मुद्दा है और उसकी जांच चल रही है, और उस जांच में अगर पाया गया कि किसी भी तरह से वो दोषी हैं तो कंपनी जरूर से उनके खिलाफ कदम उठाएगी। लेकिन जहां तक इस विसल ब्लोअर और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच साठगांठ का प्रश्न है, तो ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी ही माना जा रहा है। शुक्रिया पंकज इस अपडेट के लिए। तो पंकज मिश्रा इनफैक्ट इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, बैंगलोर में ये इनफैक्ट वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये अपडेट आ रहा है कि शायद एक मिलीभगत रही है। हालांकि इस पर नंदन निलेकनी और कंपनी ने साफ कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। जवाब में इन्होंने ये कहा कि को-फाउंडर पर जो आरोप लगे हैं उनकी वो निंदा करते हैं, छवि बिगाड़ने के मकसद से आरोप लगाए गए हैं और अभी भी को-फाउंडर्स कंपनी के सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनफैक्ट सुन लीजिए नंदन निलेकनी ने क्या कहा आज के इस कॉन्फ्रेंस कॉल में भी। इंफोसिस टेक्स दिस कंप्लेंट सीरियसली एंड एज वी हैव सेड पब्लिकली द ऑडिट कमिटी हैज एंगेज्ड एन इंडिपेंडेंट लॉ फर्म to fully investigate the allegations. The investigation is ongoing and we will provide a summary of the investigation results after it is complete. As a company, Infosys is committed to defining, following and practicing the highest level of corporate governance across all our business functions. Our whistleblower policy, which is grounded in the values of our corporate governance practices, has been in place for over 15 years. और देखिए वो स्टॉक आज अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ 721 तक का हाई इसने छुआ था, 713 के लेवल्स अभी भी स्टॉक में बने हुए हैं, 16 रुपए की बढ़त पर ये काउंटर कर रहा है कारोबार। तार जीवी के आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 6% ऊपर है काउंटर, प्रॉफिट 3 करोड़ का, जहां पर पिछले साल इसी क्वार्टर में 90 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। वो स्टॉक इस समय रैली कर रहा है इन आंकड़ों पर ही, और रेवेन्यू में भी करीब हमने देखा है 2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन देखिए अब नजरें रहेंगी वोल्टास, मणप्पुरम, बॉश और साथ ही साथ एक्साइड के नतीजों पर। एक लंबी लिस्ट है इनफैक्ट मिड कैप कंपनियों की, एक एक करके बात करते हैं। एक्साइड से शुरुआत करते हैं क्योंकि एक्साइड में हमने देखा ओपन इंटरेस्ट एडिशन अभी भी बना हुआ है, स्टॉक तेजी का कैंडिडेट है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित बताइए एक्साइड से एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए एक्साइड केस में जो एक रेवेन्यूज है वो करीब करीब 2611 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 4% के आसपास एक डिप कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिल सकता है, 2720 करोड़ से घटकर ये आंकड़ा रहेगा। मुनाफे फ्रंट पर जो एक उम्मीद लगाई जा रही है वो करीब करीब 235 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा रहेगा मुनाफे में, और 190 करोड़ से के कंपेरिजन में आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सिचुएशन एक्साइड साइड की थोड़ी सी वीक अनुमान लगाई जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मोरलेस फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आ सकते हैं, 1-1.5% के आसपास की बढ़त वहां पर रह सकती है, और ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो 351 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में रह सकता है। ओईएम सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से भी नंबर्स वीक रहेंगे, और जो इन्होंने लेड प्राइसेस को थोड़ा सा पास किया था उसकी वजह से भी इनके मार्जिन हैं उसके अंदर थोड़ा सा एक बेनिफिट की उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज नंबर सबड्यूड रहेंगे, चाहे सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें या अदरवाइज भी, बहुत ज्यादा फायरवर्क की उम्मीद भी आना रखें। स्टॉक में तेजी आ गई है तो गावा साहब बताइए होल्ड करें या फिर समय रहते प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? एक्साइड में करीब 2% ऊपर है काउंटर। जी हाँ, मुझे लगता है कि अप मूव ऑन है और फ्रेश बाइंग यहाँ पर शुरू हो सकती है। स्टॉप होगा 186, अब भी खरीद सकते हैं, आपसे जो टारगेट है 202 के। ओके, तो आप कह रहे हैं आगे और बढ़ेगा, 202 तक के लेवल जाएंगे इस काउंटर में। वोल्टास सुमित क्या एक्सपेक्टेशन? रेवेन्यू फ्रंट पे तो वोल्टास ठीक ठाक कामकाज करेगा, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू की उम्मीद है, 1421 करोड़ से बढ़कर ये रेवेन्यूज आ सकते हैं। एबिटा फ्रंट पे भी कामकाज ठीक ही होगा, 110 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा रहेंगे, 108 करोड़ से बढ़ के एबिटा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे फ्रंट पे हालांकि दबाव है, 100 करोड़